हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। और आज हमारा डे 6 है हमारी ट्रिप का। आज का प्लान किया है कि आज हम ले घूमने वाले हैं, ले की जो भी फेमस प्लेसेस हैं। सो ये मेरी एक डायरी है जिसको मैं इस ट्रिप पे कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, और इसमें हम पर डे कहाँ से कहाँ जाते हैं, इसमें मैं अपना सारा हिसाब किताब लिखता हूँ। ये सब मैं आपको इस ट्रिप के एंड में बताऊँगा कि मेरा टोटल कितना खर्चा इस ट्रिप पे हुआ है और आप कितना एक बजट प्लान लेके चल सकते हैं लद्दाख ट्रिप के लिए। अभी हम आए हैं तसीमा मोनेस्ट्री में। हम जा रहे थे वैसे तो ले पैलेस, लेकिन ले पैलेस का रास्ता हमने मिस कर दिया। देख सकते हैं बहुत सुंदर है ये ले सिटी। राइट साइड है, वहाँ तक आप पूरा देख सकते हैं, पूरा ले सिटी है, और इधर भी पूरा ले सिटी है। सीमो मोनेस्ट्री को अराउंड 1430 में किंग ताशी नामग्याल के द्वारा बनवाया गया। किंग ने अपने राजवंश और घाटी को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए इस मोनेस्ट्री को बनवाया था। सीमो मोनेस्ट्री लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण मोनेस्ट्री में से एक है। इस मोनेस्ट्री का जो मेन अट्रैक्शन है वह है मैत्रेय बुद्ध की सॉलिड गोल्ड प्लेटेड मूर्ति, विच हैज़ ए हाइट इक्वलेंट टू 3 स्टोरी। बट इट वॉज़ आवर बैड लक कि हमारे विजिट वाले दिन यह मोनेस्ट्री बंद थी और हम वो नहीं देख पाए। सीमो मोनेस्ट्री से आप ले पैलेस आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यह मोनेस्ट्री ले पैलेस के जस्ट पीछे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। सीमो मोनेस्ट्री से सिंधु नदी और जांस्कर रेंज का भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ से नीचे देखेंगे तो वो है ले पैलेस। डोमिनार अपनी वहाँ पे खड़ी है। वहाँ से हम ऐसे आए हैं। यहाँ पे मोनेस्ट्री में जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना है और उतरने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। शांति बहुत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शांति है। इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन कम हेयर एंड सिट एंड रिलैक्स। सो इसके बाद हम जा रहे हैं शांति स्तूपा या फिर ले पैलेस। Thank you.
सो अभी हम आए हैं शांति स्तूपा में, और जो लेह सिटी के अंदर ही आता है। और ये शांति स्तूपा बिल्ट हुआ था 1991 में, जो जापनीज मॉन्क के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे आने का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 AM to 8 PM है, और यहाँ पे एंट्री फीस जो है वो 30 rupees है। तो अभी ऊपर जाएंगे और देखते हैं वहाँ से नज़ारे कैसे दिखते हैं। अभी सामने वहाँ पे सीमो मोनेस्ट्री है, हम वहाँ पे थे, वहाँ से शांति स्तूपा दिख रहा था और यहाँ से सीमो मोनेस्ट्री दिख रहा है। और सीमो मोनेस्ट्री से आप नीचे देखेंगे वहाँ पे वो लेह पैलेस है। शांति स्तूपा। शांति स्तूपा को बनाने की कल्पना निचिदात्सु फुजी ने ईयर 1914 में की थी। शांति स्तूपा बनने की शुरुआत ईयर 1983 में हुई और ईयर 1984 में इसका निर्माण पूरा हुआ। शांति स्तूपा को जापानीज़ और तिब्बतन मॉन्क्स ने बनाया, और शांति स्तूपा को ईयर 1991 में दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। लद्दाख में यह शांति स्तूपा दुनिया के 7 शांति स्तूपा में से एक है, जिसका एलिवेशन सबसे ज़्यादा है। यह शांति स्तूपा एक यूनिक आर्किटेक्चरल शैली को दर्शाता है, जो कि विश्व के अन्य शांति स्तूपा से बिल्कुल अलग है। यहाँ शांति स्तूपा के फर्स्ट लेवल पर गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर आकृति है, वहीं दूसरे लेवल पर भगवान के जीवन के 3 घटनाओं को दर्शाने वाले विभिन्न चित्र हैं, जिनमें उनका जन्म, मृत्यु और महानिवारण की प्राप्ति और ध्यान के माध्यम से बुरी शक्तियों की हार को दिखाया गया है। ₹25 per head, 2K50। सर यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, ड्रोन फ्लाई के नहीं कर सकते। लेह पैलेस। लेह पैलेस लेह से 2.2 किलोमीटर दूर है। लेह पैलेस को बनाने की शुरुआत नामग्याल राजवंश के संस्थापक तसे वांग नामग्याल ने ईयर 1553 में की थी, लेकिन महल का निर्माण बाद में फिर से शुरू हुआ जब लद्दाख से गंगे के शासन के अधीन था। लेह पैलेस एक विशाल 9 मंजिला पैलेस है, जिसे शाही परिवार के निवास के लिए बनाया गया था। महल में निचली मंजिलों का उपयोग अस्तबल और भंडार के रूप में किया जाता था, जबकि ऊपरी मंजिलें शाही परिवार के लिए रिजर्व थी। 19वीं शताब्दी तक महल ने नामग्याल राजवंश के शासनकाल के दौरान समृद्धि और गौरव के समय देखे। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र पर डोगरा सेना ने आक्रमण किया और महल पर सेना ने कब्जा कर लिया, जिससे शाही परिवार को यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब लेह पैलेस का निर्माण हुआ तब यह दुनिया की सबसे ऊँची इमारत थी।
थिक्से मोनेस्ट्री। लेह के ईस्टर्न रीजन में स्थित थिक्से मोनेस्ट्री भारत में सबसे सुंदर मोनेस्ट्री है। 11,800 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित यह मोनेस्ट्री लेह लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। थिक्से मोनेस्ट्री का निर्माण ईयर 1433 में जंगपो ने किया। यह लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जो 12 मंजिला ऊंची है। थिक्से मोनेस्ट्री में डिफरेंट बुद्ध स्टैचू, पेंटिंग्स और 60 लामाओं का निवास भी है। थिक्से मोनेस्ट्री के अंदर भाग में मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति, तारा मंदिर, एक सभा कक्ष और लामोखांग मंदिर भी शामिल है। थिक्से मोनेस्ट्री में साल भर कई फेस्टिवल होते हैं, जिसमें गस्टर रिचुअल सबसे फेमस तिब्बतन फेस्टिवल है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। थिक्से मोनेस्ट्री के लिए एंट्री फी 20 रुपी और यहाँ आने का समय मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM है।